हेलो एंड बिग वेलकम टू द वेलनेस शो जी हाँ शो दैट गाइड्स यू टू ब्रिंग अबाउट सिंपल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल स्टाइल्स सो आपके लिए मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हों और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो थ्रू दिस प्रोग्राम ये लेके आते हैं हम प्रोग्राम एवरी संडे मॉर्निंग बिटवीन हाफ नाइन टू इलेवन ओ और उसमें हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बहुत सी एडवाइस देते हैं टू मैंटेन योर हेल्थ एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ़ लाइफ एज़ आई सेड माई नमीज यासमिन कुरेशी और मेरे साथ जो हैं हमारे आज के मेहमान हमारे आज के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो साथ हैं उनको वेलकम करते हैं हेलो एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर नबील अहमद थैंक यू आप much. तो अब आपकी कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है <laughs> आप इतने जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जानी मानी हमारी जो बलदीश राय हैं Thank वो you. भी हमारे साथ हैं एज यूजल डाइटिशन तो वेलकम टू द शो एंड हैप्पी ईस्टर टू यू बोथ अभी भी चल रहा है तो हमें अपने व्यूअर्स को भी हम यही कहेंगे टू मेनी एग्स हाँ हाँ ये तो आपको बोला पड़ेगा बिल्कुल अंडे कम खाइए <laughs> अच्छा ओके okay, सो so आज जो है वो बात हम थोड़ी सी चेंज करेंगे क्योंकि अभी तक तो कार्डियोवेस्कुलर uh, डिजीज पे बात कर रहे हैं डाइटिश डाइटिशियन डाइटिशियन एज यू आर गिविंग ओवरऑल जनरल एडवाइस ऑन व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट टू मेंटेन हेल्थ लेकिन आज डायबिटीज का थोड़ा सा हम सोचे yeah. थे बिकॉज देर इज रियली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट इलनेसेज इन आर कम्युनिटी हर दो फैमिलीज में से एक uh, बंदा तो जरूर जो है uh, वो डायबिटीज yeah. का शिकार है खासतौर एशियन कम्युनिटी में जी. तो आप बताइए कि डायबिटीज का क्या कनेक्शन क्या है हार्ट जो कार्डियोवेस्कुलर वो मैं हमेशा ये कहता तो भी इसका चोली दामन का साथ है <laughs> ये दे गो हैंड, इन हैंड और डायबिटीज है? जो है वो Uh, एक एक सर्टेन लेवल से ऊपर जब ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है तो वो फिर पॉइजन का काम कर देता है इन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज तो वो फिर हमारी जितनी भी जो मेन ऑर्गन्स हैं लाइक like हार्ट है ब्रेन है किडनीज हैं आइज़ हैं तो उनको फिर अफेक्ट करता है तो हमारी जो वेसल्स हैं हमारी बॉडी में आ, उन पर उसके बहुत बुरे असर आते हैं और वो वो फिर देखे जाते हैं उन लोगों में जिनकी डायबिटीज़ इतनी अच्छी कंट्रोल में नहीं होती वो, वो कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं तो वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हार्ट डिज़ीज़ तो उसमें क्या है कि हमारी जो कॉररी आर्टरीज हैं वो क्लॉग अप होती हैं और फिर जो सबसे जो ख़तरनाक बात होती है वो ये कि जो अगर न्यूरोपैथी हो जाए जो नर्व्स हमारी जो हैं वो बिल्कुल जिस सुन हो जाती हैं जो हम महसूस नहीं फिर कर सकते एक्सट्रीमिटीज में, में खास तौर पे तो हार्ट के साथ उसका ये कनेक्शन है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कभी चेस्ट पेन नहीं होती और उनको फिर साइलेंट हार्ट अटैक्स हो जाते हैं oh, okay. जब वो हमारे पास आते हैं तो हम ईसीजी से या एक्डियोग्राम से या और टेस्ट से जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको डायग्नोज करते हैं तो इसलिए डायबिटीज कई दफ़ा बहुत सरप्राइजिंगली बैड रिजल्ट के साथ हमें पेशेंट्स प्रजेंट करते हैं अब ये हालांकि सिंपल सी एक चीज़ लगती है क्योंकि बहुत से डायबिटिक्स हैं वो आर जस्ट गोइंग अबाउट देयर लाइज वेरी नॉर्मली लेकिन उसके कितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं वह मुझे बताएं कि वेट एंड डायबिटीज़ हाउ आर दे कनेक्टेड यू नो आई मीन वेट कहते हैं लॉस करो लॉस yeah. कई तो बहुत पतले पतले लोगों को भी डायबिटीज़ ऑब्वियसली डायबिटीज़ के Causes, coffee kafi hai. But one of the main causes is our diet and lifestyle, especially which we kham type two diabetes. So, we know for a fact, studies ki gayi hai, jiske uh, mutabik hum hai ke, have carrying extra weight. इंक्रीज़ हमारा रिस्क ऑफ टाइप टू डायबिटीज़ सो अगर थ्रू लाइफ स्टाइल चेंजेस थ्रू मेनटेनिंग वेट वी नो यू कैन एक्चुअली होपफुली रिड्यूस योर रिस्क अगर जेनेटिक्स में है अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या फैमिली डायबिटीज़ तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ बढ़ जाता है लेकिन फिर भी डाइट और लाइफ स्टाइल के तौर से यू कैन रिड्यूस द रिस्क और यू कैन डिले दी ऑन सेन डिलेटर हमारी कम्युनिटी में ऐसा भी कई लोग सोचते हैं की right, uh, um, yeah, uh, yeah. yeah. को <laughs> कोई बात नहीं डायबिटीज हो गई मैं टेबलेट uh, ले रही हूँ जैसे डॉक्टर ने बताया कि शुगर कंट्रोल करना एक बात है लेकिन वो जो शुगर जो डैमेज कर रही है आपकी बॉडी में दैट्स वर्स जो कॉम्प्लिकेशन है दैट्स वर्स सो क्यों ना आप पहले ही इतना ध्यान रखें कि आपको डायबिटीज हो ही ना ओके हाँ, okay? उन कॉम्प्लिकेशन की स्टेज पे आप तो बहुत लेट पहुंचेंगे हाँ, ना? दन, तो उसकी प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट हल, हल हल है ना जी

So stay tuned